एक बार एक साधु महाराज नदी के किनारे टहलते हुए जा रहे थे, अचानक उनकी निगाह पड़ी एक भिक्षु पानी में बह रहा था। उन्हें दया आ गई और उन्होंने हाथ से उसको बाहर निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला हाथ से, भिक्षु ने उनके डंक मार दिया और उनके खून निकलने लगा और वो हाथ से छूट गया। उनके हाथ से भिक्षु छूट गया, फिर पानी में चला गया। उन्होंने फिर हाथ डाला और फिर उसे निकाला, उसने फिर डंक मार दिया। इस प्रकार से साधु महाराज उसे निकालते रहे और वो डंक मारता रहा लगातार, लेकिन साधु महाराज ने उसे बचाना नहीं छोड़ा, उसे बार बार बचाने की कोशिश की। इस चक्कर में उनका हाथ लहू लुहान हो गया, खून से भर गया, लेकिन उन्होंने उसे बचाना नहीं छोड़ा, बार बार बचाने की कोशिश की। इस कहानी से जब किसी ने उनसे पूछा कि महाराज आप इसको बार बार बचा रहे हैं, बार बार आपके डंक मार रहा है, तो आप इसे क्यों बचा रहे हैं? बोले जब ये अपना क्रूर स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो ये बताओ कि मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ लूं? कैसी लगी ये कहानी और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि चारों तरफ चाहे कितने भी क्रूर आदमी क्यों ना हो, अच्छा व्यक्ति, अच्छा स्वभाव का व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं त्यागता, वही तो साधु कहलाता है। आज जो मैं टॉपिक लिया है, मैंने वर्ड ऑफ द डे है पॉप। बहुत ज्यादा मुझसे पूछा गया था POP, पॉप माने क्या होता है। पॉप माने पापा भी होते, पहला तो अर्थ ये सुन लीजिए, पॉप पापा को भी कहते हैं, डैडी को। अब देखें आगे, पॉप आवाज को कहते हैं, नाउन होता है, ये नाउन भी है वर्ब भी है। द कॉर्क केम आउट ऑफ द बॉटल विद ए लाउड पॉप, यहां पर पॉप लिखा जाएगा लाउड के बाद, पॉप की यानी आवाज के साथ, धड़क की आवाज के साथ कॉर्क बोतल से बाहर आ गया। कॉर्क ढक्कन जो होता है उसको कॉर्क कहते हैं, बोतल का ढक्कन। पॉप म्यूजिक आजकल का, पॉप माने पॉपुलर भी होता है, पॉप माने पॉपुलर, पॉपुलर माने लोकप्रिय, धमाकेदार लोकप्रिय संगीत जिसकी धुन सरल हो। धमाकेदार क्या होगा, धुम धुम जिसकी आवाज आती रहती है पीछे से, जैसे थपकियां मार रहा हो, कोई कपड़े धो रहा हो। एवरीबडी इज मैड आफ्टर पॉप म्यूजिक टुडे, आज हर कोई पॉप म्यूजिक के आगे पीछे लगा हुआ है, पीछे दीवाना है। अब देखें बैलून, या हम कागज की कोई चीज बनाते हैं, गुब्बारा टाइप का बना लेते हैं कागज का कभी कभी हम, और उसे फट से मारते हैं तो आवाज जो होती है तो उसको पॉप कहते हैं, POP। द बैलून पॉप्ड, ये क्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, फट की आवाज, जो बैलून था गुब्बारा था फट की आवाज से फट गया, फट की आवाज करना। द चिल्ड्रन लाइक टू पॉप द बैलून्स, फट की आवाज जो गुब्बारे में से होती है तो उसकी आवाज को लोग और बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। जन्मदिन के दिन जब जन्मदिन होता है उनका तो गुब्बारों को फोड़ते फिरते हैं, छोटे छोटे बच्चों को इसका बड़ा शौक होता है। पॉप माने फोड़ना, द चिल्ड्रन लाइक टू पॉप द बैलून्स, बैलून्स गुब्बारे को कहते हैं, गुब्बारों को फोड़ना बहुत पसंद करते हैं। शी जम्प्ड अप, वो उछल पड़ी, शी जम्प्ड अप बिकॉज, क्योंकि समवन पॉप्ड ए बैलून, किसी ने एक गुब्बारा उसके पीछे फोड़ दिया था तो उसकी आवाज से वो उछल गई। शी जम्प्ड बिकॉज समवन पॉप्ड ए बैलून, किसी ने गुब्बारा फाड़ दिया था, फुटा दिया था बिहाइंड हर, उसके पीछे। पॉप इन, पॉप इन का अर्थ देखें मिलने आना, why did you not pop in yesterday, तुम कल क्यों नहीं आए। मिलने आना, दर्शन देना, मिलने आना, why did you not pop in yesterday, यहां पर यू के बाद नॉट आएगा। पॉप आउट,
आश्चर्य से आंखों का बाहर निकलना, उसको देख करके तो उसकी आंखें बाहर निकल आई, यानी आश्चर्य से फट गई उसकी आंखें, आश्चर्य से आंखों का बाहर निकलना। हर आईज पॉप्ड आउट टू सी मी, मैं अचानक पहुंचा जब तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, बाहर निकली आई आश्चर्य के मारे। हर आईज पॉप्ड आउट टू सी मी, अचानक प्रकट होना भी इसका अर्थ होता है द विंडो ओपन्ड एंड ए हेड पॉप्ड आउट, पॉप आउट का वो देख लें प्रयोग, द विंडो ओपन्ड खिड़की खुली या दरवाजा खुला, एंड ए हेड पॉप्ड आउट और एक सिर दिखाई दिया, अचानक एक सिर दिखाई दिया, सिर प्रकट हुआ, खिड़की खुली और एक सिर प्रकट हुआ। पॉप इंटू अचानक आना, एन आइडिया पॉप्ड इंटू माई माइंड, अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया, आइडिया पॉप्ड इंटू, पॉप्ड इंटू का अर्थ है अचानक आना। पॉप अप माने दिखाई देना, प्रकट होना, आई डोंट नो वेयर अक्षय कुमार विल पॉप अप, अक्षय कुमार कहीं से भी प्रकट हो जाता है, कभी इधर से आ जाता है, कभी इधर से आ जाता है, किसी फिल्मी कार्यक्रम में हमेशा जो फंक्शन होते हैं बड़े बड़े उसमें इधर उधर से ही आता है अक्षय कुमार, तो उसी के लिए मैंने लिख दिया है ये पॉप अप, अचानक प्रकट होना। आई डोंट नो वेयर अक्षय कुमार विल पॉप अप, कहां से आएगा अक्षय कुमार कुछ पता नहीं। पॉप अप का यूज देख लिया आपने। पॉपकॉर्न मक्का के दानों को कहते हैं, पॉप गन ऐसी बंदूक को कहते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, खिलौना बंदूक पॉप गन कहलाती है। पॉप शराब रहित पेय को भी कहते हैं, ऐसा पेय पदार्थ जिसमें शराब न मिली हो। लेट अस ड्रिंक द पॉप, लेट अस ड्रिंक द पॉप, आओ ये शराब रहित कोल्ड ड्रिंक पिए। पॉप पॉपुलेशन को भी कहते हैं, पॉपुलेशन की शॉर्ट फॉर्म है ये एब्रीविएशन, पॉप जनसंख्या, देयर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, देयर इज यहां पर इज आएगा, देयर इज पॉप एक्सप्लोजन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अर्थात जनसंख्या विस्फोटक तरीके से बढ़ती चली जा रही है। देयर इज पॉप एक्सप्लोजन, पॉप यहां पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। पॉप अक्रॉस ये भी एक शब्द है, अचानक आना, पॉप अक्रॉस, शी पॉप्ड अक्रॉस लास्ट इवनिंग या लास्ट नाइट, वो अचानक कल रात आ गई, वह अचानक प्रकट हो गई, अचानक आ गई कल रात, शी पॉप्ड अक्रॉस लास्ट इवनिंग या लास्ट नाइट। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गॉड ब्लेस यू।